ओम साई राम। श्री साई बाबा सेवा आश्रम शिरडी धाम करगी रोड कोटा में 5 अक्टूबर को श्री साई बाबा का पुण्यतिथि का महापर्व संपन्न होने जा रहा है। विशाल भंडारा हो रहा है। आप लोग अगर इस बाबा के पुण्यतिथि के पावन पर्व पर भंडारा में अगर सहयोग करते हैं तो साई बाबा की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये आश्रम 1972 से संचालित है। ये आश्रम में द्वारका माई में श्री साईं बाबा की अखंड धुनी जल रही है, बाबा का अखंड जोत जल रहा है और बाबा का चूल्हा है, बाबा का बैठ की पत्थर है, यहाँ पर बाबा की पालकी भी विराजमान है। आपको मालूम होगा कि दशहरे पर श्री साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को अपना शरीर को प्रत्याग किया था 2:30 पर। इस वर्ष भी यहाँ साईं बाबा के आश्रम पर साईं बाबा की महासमाधि पर भव्य आयोजन कार्यक्रम रखा गया है। इस भव्य आयोजन कार्यक्रम में अगर आप तन मन धन से सहयोग करते हैं तो साईं बाबा आपको अपार आशीर्वाद देंगे। साईं बाबा मंदिर निर्माण का काम रुका हुआ है, अगर आप मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोग करते हैं तो बाबा आपको भली प्रकार से आदि शक्ति प्रदान करेंगे। श्री साईं बाबा की चावड़ी विगत वर्षों से गिर गई है, जो निर्माण कार्य होना बाकी है, अगर इस निर्माण में आप सहयोग करते हैं तो बहुत जल्दी यह चावड़ी भी बन के तैयार हो जाए। वैसे इस आश्रम का पूरा वीडियो देखिए आप, इस चारों तरफ हरियाली है। हर साल यहाँ पर साफ सफाई का कार्यक्रम किया जाता है एवं हर महीने साईं बाबा की 2 टीपा तेल और 5 क्विंटल लकड़ी की जरूरत धोनी के लिए पड़ती रहती है। आप धोनी की लकड़ी के लिए, साईं बाबा की तेल के लिए अगर इस आश्रम में पुण्यतिथि में दान करते हैं तो साईं बाबा आपका कल्याण करेंगे और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आज एक बात आपको और बता रहा हूँ सभी साईं भक्तों को कि आप हर गुरुवार को अपने घर पर श्री साईं बाबा का लुभान जरूर किया करो। विजयदशमी के दिन आप अपने घर पर साईं बाबा के समक्ष लुभान देकर पूरे घर में लुभान दिखाइए। इस लुभान का मतलब ये होता है कि बाबा की शक्ति आपके घर में आएगी। इस लुभान देने से मतलब ये होता है कि आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है सदैव दूर भागती रहेगी और साईं बाबा की शक्ति कृपा आपको प्राप्त होता रहेगा। आप जरूर गुरुवार को अपने घर पर साईं बाबा के नाम पर लुभान जरूर किया करें, जिससे बाबा आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर बाबा की कृपा होगी। साथ ही आप एक काम और करिए, बहुत से भक्तों का मेरे पास या मैसेज आया है कि हम कैसे साईं बाबा को ध्यान करें, हम कैसे साईं बाबा की कृपा को प्राप्त करें। आपको मालूम होगा कि श्री साईं बाबा शिरडी में 60 साल तक अपने हाथ से स्वयं द्वारका माई के आसपास बाबा साफ सफाई करते थे। उस साफ सफाई के लिए आप एक काम जरूर करिए कि एक खरहरा और एक बहरी साईं मंदिर में आप चढ़ा के आ जाइए और उस पुजारी को बता दीजिए कि बाबा जी ये खरहरा ये बहरी ला के दिए हैं, इस मंदिर में इसका उपयोग होगा। जब तक वह बहरी खरहरा से वहाँ साफ सफाई होता रहेगा आपका भाग्य भागता जाएगा और साईं बाबा आपकी तकदीर को खोल देंगे। ये 100% प्रमाणित अनुभव है और यह चमत्कार से भरा हुआ है। आश्रम में ऐसे बहुत से भक्त आते हैं, यहाँ पर बहरी खरहरा लेकर हमसे आदेश लेते हैं और हर गुरुवार को स्वयं अपने हाथों से वह साफ सफाई करते हैं। और कई गुरुवार करने के बाद जिसकी शादी नहीं हो रही थी उसकी शादी हो गई, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा था उसको नौकरी मिल गया, किसी का रुका धन नहीं मिल रहा था उसका रुका धन मिल गया, किसी की पत्नी रूठ के चल दी थी वो रटनी प्रसन्न होकर अपने पति के पास आ गई, कोई माता पिता को दुखी दे रहा था वो माता पिता को
सुख देना शुरू कर दिया। कोई गरीबों को अन्नदान नहीं करता था, वह गरीबों को अन्नदान करना शुरू कर दिया। इतना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चमत्कार है। एक खरेरा एक बहरी अगर साईं बाबा के मंदिर पर आप दान करके आ जाइए और वहाँ के पुजारी को बता दीजिए कि गुरुजी इस मंदिर के वास्ते आश्रम के वास्ते एक खरेरा बहरी है, इसका उपयोग आश्रम में होना चाहिए, निश्चित उसका उपयोग होगा। जैसी जैसी बहरी खरेरा बाबा के मंदिर के आसपास चलते रहेगा, वैसे वैसे आपका किस्मत का ताला खोलता रहेगा साईं बाबा। यह प्रत्यक्ष चमत्कार है। इस पुण्य तिथि के पावन पर्व पर आज मैं आपको साईं बाबा की प्रेरणा से एक 40 साल का अनुभव आपको दे रहा हूँ। आप जरूर इस अनुभव को प्राप्त करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नीचे लाल बटन को जरूर दबाइए। जय साईं नाथ बोलिए, जय साईं नाथ बोलिए। और 5 अक्टूबर को श्री साईं बाबा की महासमाधि पर एक गुलाब का फूल सच्चे मन से अर्पण कर दीजिए और देखिए जैसे ही बाबा के चरणों में आप फूल अर्पण करने जाएंगे तो साईं बाबा आपको देखेंगे। तो समझ जाना कि अब आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है।